हेलो फ्रेंड्स, मैं रखन भाई मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चंदेला चला। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे अपन एंटोन चेकोव की ग्रीक, ठीक है। इससे पहले अपन एंटोन चेकोव के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एंटोन चेकोव का जन्म 29 जनवरी 1860 को हुआ था और डेथ हुई थी इनकी 15 जुलाई 1904 को, ठीक है। एंटोन चेकोव वाज़ रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हु इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन इन हिस्ट्री। हिज कैरियर एज ए प्ले राइट प्रोड्यूस फॉर क्लासिक्स एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरी आर हेल्ड इन हाई एस्टीम बाई राइटर एंड क्रिटिक्स। एलोंग विद हेनरिक इब्सन एंड अर्नेस्ट स्टीनबर्ग, चेकोव इज ऑफन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द थ्री सेमिनल फिगर्स इन द बर्थ ऑफ अर्ली मॉडर्निज्म इन द थिएटर। चेकोव प्रैक्टिस एज ए मेडिकल डॉक्टर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर। मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ ही वन सेड, लिटरेचर इज माई स्ट्रेस, ठीक है। देखिए कि चेकोव ए रशियन प्ले राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर था, ठीक है। अब देखिए, हिज कैरियर एज ए प्ले राइट प्रोड्यूस फॉर क्लासिक्स एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर हेल्ड इन हाई एस्टीम बाई राइटर्स एंड क्रिटिक्स। एलोंग विद हेनरिक इब्सन एंड अर्नेस्ट स्टीनबर्ग, चेकोव इज ऑफन रेफर्ड टू एज वन ऑफ थ्री सेमिनल फिगर्स इन दी बर्थ ऑफ अर्ली मॉडर्निज्म इन दी थिएटर। चेकोव प्रैक्टिस एज ए मेडिकल डॉक्टर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर। मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ ही वन सेड, लिटरेचर माई मिस्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए इनका पूरा बायोडाटा देखिए। इनका जन्म एंटोन पाल्वोविक चेकोव 29 जनवरी 1860 को हुआ था। इनकी डेथ हुई 15 जुलाई 1904 को। इनका रेस्टिंग प्लेस है नोवोडेची सेमेट्री मॉस्को, ठीक है। ऑक्यूपेशन का है फिजिशियन, शॉर्ट स्टोरी राइटर और प्ले राइट। लैंग्वेज है इनकी रशियन, नेशनलिटी है रशियन। आवामीटर है इनकी फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इनके नोटेबल अवार्ड है पुश्किन प्राइज, ठीक है। अब देखिए, चेकोव रेनाउंस द थिएटर आफ्टर द रिसेप्शन ऑफ द सिया गोल्ड इन 1896, बट द प्ले बाद रिवाइव टू एक्लेम इन 1898 बाई कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्कीस मॉस्को आर्ट्स थिएटर। वी सब्सिक्वेंटली आल्सो प्रोड्यूस चेकोव अंकल वाइना एंड प्रीमायर्ड इज लास्ट टू प्ले थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी और चार्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, दीज फॉर वाज प्रेजेंट ए चैलेंज टू द एक्टिंग एंसेंबल एज वेल एज टू ऑडियंस बिकॉज इन प्लेस ऑफ कॉन्वेंशियल एक्शन चेकोव ऑफर्स ए थिएटर ऑफ मूड समर्ज्ड लाइफ इन द टेक्स्ट। चेकोव हैड फर्स्ट रिटन स्टोरी टू अर्न मनी बट एज आर्टिस्टिक एम्बिशन ग्रू ही मेड फॉर्मर इनोवेशंस विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। ही मेड नो एपोलॉजी फॉर द डिफिकल्टी दिस पोज टू रीडर सिटिंग दैट द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट वाज टू आस्क क्वेश्चन नॉट टू आंसर देम। अब देखिए नेक्स्ट, देखें कि जो शॉर्ट स्टोरी है ग्रीक उसके बारे में देखिए। इन दी शॉर्ट स्टोरी ग्रीक एंटोन चेकोव डिस्क्राइब ए डिवास्टेड फादर आयोना हु ग्रीव्स फॉर द लॉस ऑफ हिज सन आयोना बींग ए रशियन स्लेव ड्राइवर होपलेसली अटेम्प्ट्स टू बियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड शेयर हिज सोरो विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स।
इन ऑर्डर टू फील रिलीफ द फादर इज ब्लेम एनी वन टू हियर हिम द स्टोरी इज ए मैनीफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन इंडिफरेंस एंड इनएबिलिटी टू कंसोल समवन इन नीड इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ ह्यूमन एंगेजमेंट एंड कमिसरेशन टू द पर्सन ग्रीव ऑल थ्री लोवर्स ट्राइज टू फाइंड ए शोल्डर टू क्राई एंड अनसक्सेसफुली द ओनली क्रिएचर दैट हैज हिम एक्सेप्ट हिज सन्स डेथ विद रिजाइनेशन इज फेथफुल गॉड्स। देखिए इन दी स्टोरी माजरी एंड जैकब डिस्क्राइब डिवोर्स्ड फादर आयोना टू ग्रीव फॉर द लॉस ऑफ हिज सन। आयोना बींग्स ए रशियन स्लेव ड्राइवर होपलेसली अटेम्प्ट टू बियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड शेयर हिज सोरो विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स इन ऑर्डर टू फील रिलीफ द फादर इज बिलिंग एनी वन टू हियर हिम द स्टोरी इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इंडिफरेंस एंड इनएबिलिटी टू कंसोल समवन इन नीड इट अनकवर द कंप्लीट डिप्राइवेशन ऑफ द ह्यूमन एंगेजमेंट एंड कमिसरेशन ऑफ टू द पर्सन ग्रीव ऑल थ्री लोवर्स ट्राई टू फाइंड ए शोल्डर टू क्राई ऑन एंड अप अनसक्सेसफुली द ओनली क्रिएचर दैट हेल्प्स हिम एक्सेप्ट हिज सन्स डेथ विद रिजाइनेशन इन इट्स फेथफुल फोर्स। ठीक अब देखिए नेक्स्ट स्टोरी देखिए आयोना फर्स्ट पैसेंजर एंड लिसनर एट द सेम टाइम अपीयर्स ए मिलिट्री ऑफिसर व्हेन आयोना स्टार्ट्स टेलिंग हिज ट्रेजिक स्टोरी एंड ऑफिसर सीम्स टू गेट इनटू इट हाउएवर वंस डेस्पिरेट फादर ट्राई टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स ए फेयर लॉजे हिज टेम्पर एंड स्टार्ट येलिंग एट द पोर ड्राइवर इन द अटेम्प्ट टू गेट ए लिटिल बिट ऑफ सिंपैथी आयोना एक्सपीरियंस ओनली रूड बिहेवियर ऑफ द पैसेंजर। देखिए आयोना फर्स्ट पैसेंजर एंड लिसनर एट द सेम टाइम अपीयर्स ए मिलिट्री ऑफिसर व्हेन आयोना स्टार्ट टेलिंग ट्रेजिक स्टोरी एंड ऑफिसर सीम टू गेट इनटू इट हाउएवर वंस डेस्परेट फादर ट्राई टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स ए फेयर लॉस हिज टेम्पर स्टार्ट येलिंग एट द पुअर ड्राइवर इन द अटेम्प्ट टू गेट ए लिटिल बिट ऑफ सिंपैथी आयोना एक्सपीरियंस ओनली रूड बिहेवियर ऑफ द पैसेंजर। ठीक है आफ्टर द मिलिट्री ऑफिसर आयोना गिव्स ए राइड टू थ्री ऑफेंसिव यंग मैन ऑल्दो दे वर रूड एंड ऑब्नॉक्सियस आयोना अपर देम हिज सर्विस सेज होपिंग दैट द मैन विल लर्न हिम ए सिंपैथेटिक एयर हाउएवर एवरीथिंग टर्न्स आउट टोटली अपोजिट टू व्हाट आयोना एक्सपेक्टेड वन ऑफ द मैन रिप्लाइज दैट ईच ऑफ अस इज गोइंग टू डाई सच एन आंसर लैक्स कंपैशन एंड आयोना रिमेंस अनकंसोलेबल। देखिए आर्डर द मिलिट्री ऑफिसर आयोना गिव्स राइट टू थ्री ऑफेंसिव यंगमैन ऑल्दो दे वर रूड एंड ऑब्नॉक्सियस आयोना अपर देम हिज सर्विसेज होपिंग दैट द मैन विल लेंड हिम सिंपैथेटी हियर हाउएवर एवरीथिंग टर्न्स आउट टोटली अपोजिट टू व्हाट आयोना एक्सपेक्टेड वन ऑफ द मैन रिप्लाई दैट ईच ऑफ अस इज गोइंग टू डाई सच एन आंसर लैक्स कंपैशन एंड आयोना रिमेंस अनकंसोलेबल। ठीक है अब देखिए फाइनली व्हेन आयोना हैज नो स्ट्रेंथ टू होल्ड हिज इनरमोस्ट थॉट इन ही टेक्स हिज फेथफुल हॉर्स टू द स्टेबल देयर ही बम्प्स इनटू अनदर कैब व्हेन हू गेट्स एस्लीप वंस डिप्रेस्ड फादर हैड रिवील्ड हिज ग्रीफ आयोना इज विलिंग टू डिस्क्लोज फीलिंग्स एंड शेयर द डिटेल्स ऑफ हिज सन्स डेथ बट नो पर्सन एक्सप्रेस इंटरेस्ट सच ह्यूमन इंडिफरेंस डीपन्स The father sorrow and amplifies his emotions. He watches dozens of people who just go by and take no notice of the heartbroken man. Is it possible to find among these thousands such one person who will listen to him? Like, finally, when Iona has no strength to hold him in innermost thoughts in, he takes his faithful horse to the stable. There he bumps into another cabman. Who gets Ashley? Once a depressed father has revealed his grief, Ayana is willing to disclose his feelings and share the details of his son's death. But no person expresses an interest such human indifference deepens the father's sorrow and implies his emotions. He watches dozens of people who just go by and take no notice of the heartbroken man.
इज इट पॉसिबल टू फाइंड अमंग दीज थाउजेंड जस्ट वन पर्सन हु विल लिसन टू? ठीक ठीक है अभी।